हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे वीडियो नंबर 3 में। ये लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के लिए और भूतिया अंदाज में लेके आ रहे हैं इस बार। तो हम देखा आपने अकाउंट्स का भूत बंगला, तो पहली बात तो हम पहले डराते हैं बच्चों को, उसके बाद यहाँ पे हम खूब हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? देखो मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, अगर तुम में से किसी ने वो क्वेश्चन नहीं करा पहले वो क्वेश्चन करो। देखो मैं तुम्हारे साथ एकदम फ्रेंड्स की तरह ट्रीट आऊंगा और मेरी गारंटी भी है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन तुम मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी, मैं तुम्हें 95 नंबर दिलवाऊंगा, मेरी गारंटी है, लेकिन जो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत करो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दिन भर पढ़ते रहो, मैं बड़ा हंसी मजाक वाला व्यक्ति हूं, मैं तो कहता हूं जाओ मिला उससे क्या दिक्कत है। हमारी तो ट्यूशन में भी तुम्हें बताऊं, मैं जो बच्चे आते हैं कहते सर आज उससे मिलने जाना है, मैंने कहा चले जाओ, लेकिन टेस्ट में नंबर पूरे आने चाहिए। तो जो क्वेश्चन वो वाला दिया था पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ही आके ये देखो, क्योंकि तभी तो फ्लो बना रहेगा। अच्छा, तो उस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में पूछा था। मैंने पूछा था एक पार्टनर है, ध्यान से, एक पार्टनर है, उस पार्टनर को ना फर्म में 30% प्रॉफिट मिलता है, मतलब वो 30% का ओनर है, 70% का कोई और ओनर होगा, 30% का वो ओनर है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, ठीक, और उस बंदे को केवल प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट के साथ साथ क्या भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ सारे के सारे, बताओ, खोल दो दिमाग और याद करो। तुम्हें एक एक बात याद रहती है, मुझे सब पता है, लड़कियों को तो खास कर भाई साहब, उसको ये भी याद है जिस दिन पहली बार मिले थे उस दिन की पार्टी दो, जिस दिन पहली बार तुमने मैसेज किया था। अब बंदे को लड़की पूछती है लड़के से, याद नहीं तुम्हें कल क्या है? लड़का बेचारा परेशान, कल तो बर्थडे भी नहीं है इसका, कल ना सालगिरह है, कल है तो है क्या? लड़का चिंतित में अपने सारे दोस्तों कहता भाई कल क्या हुआ था मेरा और उसका। वो दोस्त भी परेशान, कह रहा कल तो यार कुछ हुआ नहीं था, कल तो तूने बताया नहीं हमें कुछ। बाद में उस लड़की बताती है, देखो कल के दिन तुमने पहली बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तुम भूल गए और इसी बात पे हो गया झगड़ा। तो बात समझ रहे हो? तो याददाश्त रखो, याददाश्त मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, याददाश्त तेज करो अपनी, बादाम खाओ खूब। मैंने बताया था एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अलग अलग टाइप से पैसे निकाल सकता है। कैसे कैसे? सर ने बताया था या तो वो प्रॉफिट में से ले लेगा, जो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाती है ना उसका कुछ परसेंटेज वो रखता है पार्टनर, पहली तरीके से प्रॉफिट जितना भी हो कुछ परसेंटेज पार्टनर रख लेता है। दूसरी तरीके से कैसे? जितना पैसा उसने बिजनेस को दिया है उस पैसे के ऊपर ब्याज लेता है, प्रॉफिट नहीं मांग रहा, धंधे का कोई प्रॉफिट नहीं मांग रहा, जो पैसा कैपिटल लगाई है उस कैपिटल के ऊपर ब्याज मांग रहा हूं। एक तरह से पैसे मांगने का ही तरीका है, जो मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई मुझे 10% चाहिए, ये होता है कैपिटल दी बिजनेस को मुझे इंटरेस्ट, ये भी एक तरीका है पैसे लेने का बिजनेस से। तीसरा मैंने कहा था सैलरी, हो सकता है कोई पार्टनर बिजनेस से सैलरी मांगता हो, सैलरी मैं डिटेल में हर चीज में जाऊंगा अभी, लेकिन बेसिक मैंने ये 3 बताए थे। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए का, उस वो 30% का मालिक है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिलता है 10%। तो देखते हैं आज आप किस किस ने, देखो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक तो देखो 3 होंगे, 2 तो यहां पे 3 है, तीसरी कैटेगरी में बताता हूं। तीसरे जो हैं, जो अभी 2 बताऊंगा ना मैं, जो उन 2 में फॉल नहीं करते वो तीसरे हैं, वो तीसरे हैं नालायक, वो मेरी तरह हैं। देखो मेरे भाई मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन मेरी बात याद रखो, तुम थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ लो, देखो अकाउंट्स से पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग खुलेगा, बिजनेस करने का सोचेगा, तुम्हें पैसा नहीं कमाना क्या मेरे भाई? पैसे कमाने की सबसे बढ़िया चीज है अकाउंट, धंधे को सीखोगे तो देखो समझो मेरे भाई, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं अकाउंट्स, मैं चाहता हूं तुम अकाउंट्स पढ़ो,
लिटरली मैं दिल से चाहता हूं कि तुम अकाउंट्स में हीरो बनो, ठीक है? अच्छा, तीसरे वाले नालायक, जो दो बताऊं उसके अलावा तीसरे वाले नालायक, तुम भी पढ़ो नालायक, क्वेश्चन करो। देखो, पहले बच्चे ये होंगे, वो कहेंगे सर देखो इस बंदे को कितना पैसा मिलेगा, 10 लाख का पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, 10 लाख का, पहले वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि सर पार्टनरशिप फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, इस 10 लाख के ऊपर वो बंदा 30% रखता है, 30% मतलब 30/100। अब मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, एक 70% रखता है, एक 30% रखता है, तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, इस बंदे को 30% मिलता है, तो कितना मिलेगा 10 लाख का? 3 लाख प्लस। मैंने आपको क्या कहा था, इसको एक और चीज भी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 10%। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है इसे 10%, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। कैपिटल मतलब होता है जो पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है, उसके ऊपर बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है। हाँ, ऐसा भी होता है, आप 10% इंटरेस्ट भी ले सकते हो। अच्छा, तो इस बंदे की कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 10% इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया? 50,000। कई बच्चों का ये आंसर है, कई बच्चे कह रहे हैं सर इसको इतना मिलेगा, बोलो हां कि ना। कई बच्चे कह रहे हैं इतना मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, जिनका ये आंसर आया है वो आंसर रॉन्ग है। जिन बच्चों का ये आंसर आया उन बच्चों का आंसर रॉन्ग है, मैं बताऊंगा क्यों रॉन्ग है, लेकिन जिनका ये आंसर आया वो रॉन्ग है। देखो, जिन्होंने कोशिश करी बहुत बढ़िया, अब मैं सिखाऊंगा, लेकिन जिस बच्चे का ये वाला आंसर आया, देखो 3,35,000, वो उस बच्चे का एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर। मेरी तरफ से अपने आप 10 रुपए की चॉकलेट लेके खुद खा लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया, चल 10 रुपए की चॉकलेट। चल देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। मेरे बच्चे, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म में दो ओनर हैं, एक एक का नाम मैं रख देता हूं दीपिका और एक का नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान ये दो ओनर हैं। अच्छा, इस पार्टनरशिप फर्म ने ना पूरे साल मेहनत करके प्रॉफिट कमाया, दोनों ने ही मेहनत करी होगी, प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए का, ठीक है? अब पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए, लास्ट में जाके ही तो बटेंगे किसको कितना किसको मिला। पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में पूरे साल का प्रॉफिट इतना है, वो कहेगा अब डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें देखनी पड़ती है डीड, डीड में क्या लिखा है, किसको कितना कितना मिलेगा। तो मेरे क्वेश्चन में मैंने तुमसे कहा था, सपोज इसी का मैंने कहा था, शाहरुख खान मान लो, नाम तो मैंने लिखा नहीं था, मान लो मैंने कहा था इसको एक तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिलेगा इसको प्रॉफिट में हिस्सा। मेरे बच्चे, आपने कहा इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5 लाख के ऊपर, कितने परसेंट? 10%। कितना मिल गया? 50,000। मेरे बच्चे, प्रॉफिट टोटल कितना हुआ था? 10 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे बच्चे? 10 लाख। 10 लाख में से शाहरुख खान को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया? यह था टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। इसमें से शाहरुख खान को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल गया मेरे बच्चे? 50,000। अब कितना बचा प्रॉफिट टोटल, कितना बचा पार्टनरशिप फर्म के पास, कितना बचा? अब 9.5 लाख। अब ये 9.5 लाख में से ही तो बटेगा, किस किस में बटेगा? देखो, ये दीपिका में भी बटेगा और शाहरुख खान में भी बटेगा। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कल,
पता नहीं उसने बड़ी अच्छी शायरी भेजी थी, कहता सर मंदिर में भोग लगा है सब में बटेगा, मंदिर में भोग लगा है सब में बटेगा, कहता जिस जिसने प्यार किया सबका कटेगा। उसकी शायरी देख के तो मैं भाई साहब हंस हंस के रुक नहीं पाया। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे मंदिर का प्रसाद सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, देखो क्या होता है, मंदिर में पहले प्रसाद बनता है, ठीक है, तो मैं मंदिर की बात बताऊँ, मंदिर में पहले प्रसाद बनता है, ठीक है। अब जब प्रसाद ये बना तो तुम्हें पता है कुछ प्रसाद का हिस्सा जो होता है ना, वो प्रसाद मंदिर वाले निकाल लेते हैं, मंदिर वाले निकाल लेते हैं, जो पंडित वंडित होते हैं ये अपने घर वर पे ले जाते हैं इसको, थोड़ा सा प्रसाद। वही मैंने कहा ये टोटल प्रॉफिट था, इसमें से शाहरुख खान को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 50,000 रुपए का, वो शाहरुख खान को मिल गया, ये देखो शाहरुख खान को मैंने दे दिया। अब प्रॉफिट टोटल में कितना बचा, 9.5 लाख, इसका 30% मिलेगा मेरे बच्चे, इसका 30%, इसका 30% इसको कितना आएगा, 9.5 लाख का 30%, सारे बच्चे निकालो कैलकुलेट करके, वीडियो पॉज करके निकालो, 9.5 लाख का 30% कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालो, 9.5 लाख इंटू में 30/100, मेरे बच्चे मैंने अभी तक क्वेश्चन कराना शुरू नहीं करा, लेकिन ये जो मैं बेस समझा रहा हूं ना, A to Z क्वेश्चन करवा डालूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है तुमसे, मेरी साथ देते रहो जो मैं करवा रहा हूं, एक अभी बुक बना रखी है, बुक से क्वेश्चन कराऊंगा, A to Z कराऊंगा ध्यान से एकदम। 9.5 लाख का 30% कितना आएगा मेरे बच्चे, 9.5 लाख इंटू में 30/100, दैट इज 2,85,000। ये देखो इसको कितना मिलेगा, 2,85,000। लो बच्चे टोटल कितना मिल गया इसको, 50,000 प्लस 2,85,000, दैट इज 3,35,000। बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चे, ये ही है, ये ही हमें इस चैप्टर में करना है, पार्टनरशिप फर्म में। आओ मैं तुम्हें आज एक नई चीज सिखाऊं, आज हम एक नई चीज सीखेंगे जल्दी से, थोड़ी सी हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, एक तरह से एक नई चीज सीखते हैं। देखो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप का, अब मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स। आपकी पार्टनरशिप वाली बुक में ये सेकंड चैप्टर होगा, पहला एनपीओ का है, दूसरा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का है, हम वो शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल्स। अरे यार स्पेलिंग छोड़ो, स्पेलिंग के चक्कर में तो टाइम निकल जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेरे बच्चे इस चैप्टर में तुम्हें मेरे साथ क्या क्या चीजें सीखनी है, अब मैं चैप्टर पे आया हूं, अभी तक जो पढ़ाया वो बस नॉलेज देने के लिए पढ़ाया, चैप्टर तो अब शुरू है, तो अगर समझ नहीं भी आया तो कोई इतना ज्यादा दिमाग मत लगाना, अब चैप्टर शुरू है। ये चैप्टर कम से कम पेपर में, नहीं तो आपके पेपर में 7 नंबर तक का आ जाता है, कभी कभार 7 मार्क्स का आ जाता है ये चैप्टर कभी कभार। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपनी कॉपी में लिखते रहो क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये सीखना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये सीखना है, पास्ट एडजस्टमेंट ये सीखना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तथा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी सीखना है हमें। पांचवी चीज जो हमें सीखनी है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। छठा
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट, नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट। मेरे बच्चे, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है ए टू जेड। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी मेरे प्यारा बच्चा जो मेरी वीडियो ईमानदारी से मेरी फॉलो करेगा, एक भी चीज ऐसी नहीं होने दूंगा जो तुम्हें नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा का पूरा एकदम सॉल्व करोगे तुम मेरे सामने। ये सारी चीजें हमें मेरे बच्चे करनी है। अच्छा, इसमें से सबसे पहले जो हम चीज शुरू करेंगे आज, बिल्कुल फर्स्ट वाली, एकदम बेसिक मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतनी सारी चीजें हैं, कोई घबराने की बात नहीं। देखो बड़ा टाइम है हमारे, पेपर मई में, ओ अपने फरवरी मार्च में होने हैं, तब तक आराम से नवंबर तक अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद टेस्ट भी देते रहो तुम लोग आराम से, तो आराम से होगा सिलेबस खत्म। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस सुनते रहना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। मेरे को बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाती है कि नहीं कमाती? प्रॉफिट अर्न करती है, हाँ लॉस भी हो जाता है कई बार, लेकिन अभी मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अर्न करती है। ये जो प्रॉफिट कमाती है, इस प्रॉफिट में से सारे, बोलो, मैंने बताया था क्या क्या चीजें मिलती हैं पार्टनर्स को। इस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट में से हिस्सा। सेकंड क्या बताया था मैंने, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। थर्ड क्या बताया था मैंने, सैलरी मिलती है। एक चीज और भी बता देता हूं, अभी तक कुछ भी समझाया नहीं है मैंने, कमीशन भी मिलता है, प्रॉफिट में से ही कमीशन भी मिलता है। ये न्यू पॉइंट है, अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं बताया, तो घबराने की कोई बात नहीं, सब बताऊंगा मेरे बच्चे। प्रॉफिट में से ये सब चीजें किसको मिलती हैं? पार्टनर्स को मिलती है। प्रॉफिट में से ये सब चीजें किसको मिलती हैं? पार्टनर्स को मिलती हैं। मेरे दोस्तों, तुम्हारे घर में तुम मैगी बनाते होगे, वो जो मैगी बनती है, सारे बताओ क्या वो तुम्हारी अकेले की है कि तुम्हारे साथ कोई और भी शेयर करता है? क्या वो तुम्हारे साथ कोई और भी शेयर करता है? हाँ भाई हाँ, ले जाना किसी ने स्कूल में मैगी, खोल दे रहे दोस्तों के सामने डब्बा, एक पीस नहीं बचेगा तुम्हारा मेरे दोस्तों, दो मिनट नहीं लगेंगे, सारी मैगी चट, सारी मैगी हाथ डाल के, चम्मच डाल के, उल्टा सीधा बस खत्म कर डालेंगे। तो मेरे दोस्तों, जब भी कोई चीज का बंटवारा होता है, जब भी कोई चीज का बंटवारा होता है, उस बंटवारे को हम कहते हैं बंटवारा। ऐसा नहीं होता कि कभी का कि कोई फादर होते हैं, फादर की डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है भाइयों में, होता है ना, तो उस बंटवारे को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। उस बंटवारे को हम किस नाम से जानते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो सबसे पहले चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बताओ इस अकाउंट में क्या होगा, सारे बताओ इस अकाउंट में क्या होगा? सिंपल सीधी बात है, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। सिंपल सीधी बात है, यहां पे क्या करेंगे हम? प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। प्रॉफिट के बंटवारे को ही मेरे बच्चे क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए। तब तक के लिए इस अकाउंट के भूत बंगले को
सब्सक्राइब करके रखिए, हम अगली डरावनी वीडियो लेके आपके पास फिर आएंगे वो ही गाने के साथ।